हेलो एवरीवन, बंगाल की एक छोटी सी डिश है, बहुत इजी बना सकते हैं हम लोग उसको, और कभी भी उसको खाने में इजी रहता है उसको। हम लोग बंगाल में मुख रोचक टाइप का कुछ चटपटा भी बोल सकते हैं, खट्टा चटपटा टाइप का। आपका ये आलू कबली बोलते हैं इसको, आलू कबली का मैंने सारा रेसिपी रेडी कर रखा है, आप देख लीजिए एक बार। ये आलू हैं बॉयल किए हुए, ग्रीन चिलीज, प्याज और नमकीन, उसको चनाचूर बोलते हैं, टोमेटो, खीरा और लेबू काट के रख लिए हैं, नमक है स्वाद के अनुसार देना है, और ये बॉईल किया हुआ छोला रहा, भिगा के रखा हुआ था 2-3 घंटे पहले, मतलब सुबह में भिगाया तो हम शाम को बना रहे खाने के लिए, गरम गरम में भी बॉईल करने के लिए इसको रेडी कर लिया है। अभी हम इसमें पहले हम लोग इसमें प्याज को डाल देंगे, ये प्याज गया, प्याज भी एज पर टेस्ट हम लोग कितना खाएंगे उस हिसाब से डाल देंगे, और आलू और नमक स्वाद के अनुसार, हरी मिर्ची इसमें हमने डाल दी है, उसके साथ में टमाटो और खीरा भी डाल देंगे एक साथ में, उसके बाद में नमकीन डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ये जो हमने लेबू ये इसमें हम लोग लेमन भी डाल देंगे, ये स्वीट कर दिया स्वीट लेमन को डाल दिया, एड टू टेस्ट, हम लोग जितना खट्टा खाएंगे उस हिसाब से ये हमने प्रेस कर दिया, इसको अच्छे से हम लोग अभी मिक्स कर देंगे, और ये हमारा शाम का, अरे इसको चखना भी बोलते हैं लोग, काफ़ी स्टाइल में बहुत सारे नाम है इसका, हम लोग आलू कबली बोलते हैं बंगालीज में, और बाकी लोग कोई लोग इसको चखना, इवनिंग स्नैक्स कुछ भी, आप इसमें बादाम भी डाल सकते हैं, मूंगफली जो होती हैं, और रेडी टू सर्व, ये हमारा देख सकते हैं आप लोग। आलू कबली रेडी टू सर्व, आप लोग देख लीजिए कैसा है खाने में, देखने में माउथ वाटरिंग लग रहा है, आप देख सकते हैं।